हाई स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। बात चल रही थी अपनी सॉइल की, सॉइल में आज हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। देखिए, अगर आप किसी भी जगह पर जमीन में, मिट्टी में अगर आप गड्ढा खोदते हैं, डिग करते हैं उसको, तो ऐसे जब आप देखेंगे वर्टिकली उसको, तो आप देखेंगे उसमें अलग अलग लेयर आपको दिखाई देंगी। उनको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। और इनको हॉरिजोन भी कहा जाता है, रेफर किया जाता है हॉरिजोन की तरह, जिसमें फर्स्ट हम बात करेंगे ओ हॉरिजोन। इसमें सॉइल प्रोफाइल में पहला जो हॉरिजोन है उसका नाम है ओ हॉरिजोन। ओ हॉरिजोन की अगर हम बात करें तो जो ओ हॉरिजोन है ये फर्स्ट लेयर है सॉइल की। क्या है? फर्स्ट लेयर है सॉइल की, या सॉइल प्रोफाइल की फर्स्ट लेयर है ये जो है। ये क्या है? फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल की फर्स्ट लेयर होती है ओ हॉरिजोन। बात करें ये जो लेयर है, इसमें प्लांट रेसिड्यू पाया जाता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। इसमें पाया जाता है प्लांट रेसिड्यू। प्लांट रेसिड्यू का मतलब जो बचे हुए प्लांट्स हैं उनका, जब मतलब प्लांट्स के लीव्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, उनको कहते हैं प्लांट रेसिड्यू। तो प्लांट रेसिड्यू पाया जाता है और बहुत सारे पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर और प्लांट रेसिड्यू इनके अंदर पाया जाता है। तो ये बात है ओ हॉरिजोन के बारे में। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो ए हॉरिजोन, नंबर सेकेंड अगर अपन बात करें तो वो है ए हॉरिजोन। ए हॉरिजोन की अगर हम बात करें तो इसको टॉप सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉप सॉइल, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली सॉइल की लेयर होती है, इसलिए इसको टॉप सॉइल कहा जाता है। अगर हम बात करें तो ये एक्सट्रीमली डार्क होती है। कैसी होती है? एक्सट्रीमली डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क होती है, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है ह्यूमस, और जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा सॉइल उतनी ही डार्क पाई जाएगी। ह्यूमस यानी, ह्यूमस क्या है? ये एक ऑर्गेनिक मैटर जो पाया जाता है इसके अंदर, उसको कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो पाए जाते हैं उनको ह्यूमस कहते हैं। अगर हम बात करें इस ए हॉरिजोन में पाए जाने वाली सॉइल के बारे में, तो ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और इसमें फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल पाए जाते हैं। सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और इसमें फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं सॉइल के, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे कण होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, बहुत क्लोज रहते हैं ये। अगर हम बात करें ये जो सॉइल है, क्योंकि यहाँ ह्यूमस पाया जाता है, इसीलिए ये जो ओ हॉरिजोन के अंदर जो सॉइल पाई जाती है, इस ह्यूमस की वजह से वो होती है कैसी? फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। प्लांट यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है ह्यूमस और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, यानी बहुत छोटे छोटे मिट्टी के कण। इसीलिए ये जो सॉइल है जो कि ए हॉरिजोन के अंदर पाई जाती है, इसका एरिएशन यानी हवा का पाया जाना, एरिएशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एरिएशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस सॉइल की इसलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, सॉइल के बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और ह्यूमस भी यहाँ पाया जाता है, ह्यूमस काफ़ी पाया जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि ह्यूमस यहाँ पर पाया जाता है, और इस ह्यूमस जो है ये फॉर्म्ड होता है, यानी बना हुआ होता है, बनता है माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जितने इनमें के अंदर ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं उनके साथ एक्शन कर देते हैं, उनके साथ क्रिया कर देते हैं, और इस एक्शन की वजह से ही ये जो सॉइल है इसके अंदर ह्यूमस इतना ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ जो छोटे मोटे लिविंग थिंग्स यहाँ पर पाए जाते हैं उनका जो
एक तरीके से आप कह दो उनका फेक्स यानी मल जो होता है वो भी इनके ह्यूमस को इंक्रीज करने में, एनहेंसमेंट में हेल्पफुल है। यहाँ पे मिनरल्स भी काफ़ी पाए जाते हैं जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये मिनरल हैं, और भी बहुत सारे मिनरल हैं। मेन जो मिनरल हैं क्या हैं, ये मिनरल हैं जो कि इस ए होरिजोन की सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो मिनरल हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए प्लांट के लिए यहाँ पर ह्यूमस है, फर्टाइल है, मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर प्लांट को मिल जाती है, इसलिए प्लांट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। और एक और बात, ये ए होरिजोन में पाए जाते हैं बहुत सारे छोटे मोटे लिविंग थिंग्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं छोटे मोटे बहुत सारे लिविंग थिंग्स के लिए एज ए हैबिटेट का काम करता है, उनके लिए घर का काम करता है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है ई होरिजोन। ई होरिजोन की अगर मैं बात करूं तो इसको जोन ऑफ लीचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन ऑफ लीचिंग, जोन ऑफ लीचिंग कहा जाता है। ये जो लेयर है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ओ होरिजोन से ए होरिजोन के बीच में जो वाटर आएगा वो नेक्स्ट इसमें ही आएगा, तो इस लेयर में इसीलिए मिनरल्स की उपस्थिति होती है, यानी यहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं ओ और ए से यहाँ सीप करके आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये ओ और ए के बीच में पाई जाती है, फाउंड बिटवीन ओ होरिजोन एंड ए होरिजोन, ओ और ए होरिजोन के बीच में ये ई होरिजोन पाया जाता है। सॉरी, ओ ए नहीं, ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी होरिजोन के बीच में पाई जाती है ई होरिजोन, जो कि जोन ऑफ लीचिंग है, मिनरल्स की यहाँ पर उपस्थिति होती है। यहाँ पर क्ले कंटेंट बहुत लो होता है, क्ले जो सॉइल है, क्ले सॉइल आपको पता ही है, तो इस क्ले का जो कंटेंट है यहाँ पर लो होता है, पाया तो जाता है लेकिन लो होता है। और ज़्यादातर फॉरेस्ट लैंड में आप अगर जाएंगे तो आपको ये ई होरिजोन वाली सॉइल ही देखने को ज़्यादातर मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब सॉइल और बी होरिजोन, नेक्स्ट अपन अगर बात करें नंबर फोर्थ, सब सॉइल और इसी को कहते हैं बी होरिजोन। तो ये सब सॉइल या फिर इसी को कहते हैं बी होरिजोन, बिलो द टॉप सॉइल, ये जस्ट टॉप सॉइल के नीचे पाई जाती है, टॉप सॉइल के बिलो द टॉप सॉइल यानी टॉप सॉइल के नीचे पाई जाती है, बिलो द टॉप सॉइल यानी टॉप सॉइल के ये नीचे पाए जाने वाली जो लेयर है उसको हम सब सॉइल या फिर बी होरिजोन कहते हैं। यहाँ पर क्लम्प्स ऑफ रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लम्प्स यानी गुच्छे ऑफ रॉक्स, रॉक्स के कई तरीके के टुकड़े आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और इनकी वजह से यहाँ पर मिनरल और यहाँ पर स्लेट और क्ले भी पाई जाती है। क्लम्प्स ऑफ रॉक, स्लेट और क्ले, ये तीनों चीज़ इस सब सॉइल की लेयर में, सॉइल में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जनरली कोर्स होती है, रिच इन मिनरल्स होती है, कोर्स यानी कड़क और रिच इन मिनरल्स, काफी कड़क सॉइल है यहाँ की, कठोर है, कोर्स है, रफ सी है, पर मिनरल्स यहाँ भी पाए जाते हैं। सब सॉइल की अगर हम बात करें यहाँ ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए लाइट कलर की होती है, ह्यूमस लो होता है इसीलिए ये कैसी होती है, लाइट इन कलर। मैंने अभी बताया आपको ह्यूमस जितना ज़्यादा डार्क उतना कलर, ह्यूमस जितना कम लाइट उतना ही कलर होगा किसी भी सॉइल का। ये मिनरल्स देती है प्लांट को, जो डीप रूट, जिन प्लांट्स की जो बड़े प्लांट होते हैं उनकी जो डीप रूट, उनकी रूट भी बड़ी होंगी, वो डीप चली जाती हैं, गहराई तक चली जाती हैं, उन रूट्स को मिनरल्स प्रोवाइड कराने का काम करती है सब सॉइल या बी होरिजोन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है सी होरिजोन, जिसको पेरेंट रॉक भी कहते हैं। नंबर फिफ्थ अगर हम बात करें तो सी होरिजोन और इसी को पेरेंट रॉक भी कहते हैं,
सी हॉरिजॉन और पेरेंट रॉक इसको कहते हैं। ये जो लेयर है ये सब सॉइल के नीचे पाई जाती है, बिलो द सब सॉइल, बिलो द सब सॉइल ये आपको मिल जाएगी। बिलो द सब सॉइल जो लेयर आपको मिलेगी उसको सी हॉरिजॉन या पेरेंट रॉक आप कह सकते हैं। ये छोटे मोटे रॉक्स की बनी होगी जिनके बीच में स्पेस पाया जाएगा, क्रैक्स और सर्वेक्स के बीच में ये बनी होगी स्मॉल रॉक्स से, इनके बीच में पाए जाएंगे थोड़े से क्रैक्स और यहाँ आपको मिल जाएगा वाटर, थोड़ा मोड़ा वाटर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, रेन वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है थोड़ा मोड़ा। ये बात है सी हॉरिजॉन की। लास्ट नंबर 6 की अगर हम बात करें, बेड रॉक जिसको आर हॉरिजॉन कहते हैं, आर हॉरिजॉन और इसको कहते हैं बेड रॉक। ये लास्ट लेयर है सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल की क्या है, लास्ट लेयर आप इसको कह सकते हैं और होती भी है। और अगर हम बात करें बहुत हार्ड होती है, नॉन पोरस होती है, क्योंकि ये बनी होती है टोटल रॉक्स की, इसलिए ये होती है हार्ड और नॉन पोरस, यानी इसमें से पानी जो है वो आगे नहीं जाता, यानी कि ये जो है वाटर टेबल बनाती है, वाटर जो है यहाँ आके रुक जाता है फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है जैसे जैसे पानी इकट्ठा होगा, तो वाटर टेबल का निर्माण करने का काम करती है आर हॉरिजॉन। और ये रॉक्स पाई जाती हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि इसको खोदा या तोड़ा जा सके, यानी कि ऐसे आगे डिग करना खोदना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात थी हमारी सॉइल प्रोफाइल के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।